बायोपिक कभी भी आसान नहीं होती किसी की भी हो, क्योंकि एक दूसरे कैरेक्टर को अडाप्ट करना और एक रियल लाइफ कैरेक्टर को अडाप्ट करना इज वेरी डिफिकल्ट फॉर एनी एक्टर। बट हाँ, ये है कि इस बायोपिक से जुड़े हैं बहुत उम्मीद है, क्योंकि एक फिल्म एक एक्टर के लिए एज अ लीड एक सपना होती है, और जितना सपना ये मेरा है उतना ही इन्वेस्टर्स के लिए और डायरेक्टर्स के लिए भी इतनी और सभी एक्टर्स के लिए इक्वल ही इम्पोर्टेंट होती है। तो काफ़ी खुश हूँ इस बायोपिक से जुड़कर, और आशा करता हूँ आप सब लोगों को बहुत अच्छी लगे, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है एक मूवी को बनाने में, और बड़े दिल से सपने, चाहे वो अमित असीम जी हो, चाहे वो प्रगति जी हों, या अपने अजय रियल लाइफ अजय हों, या फिर दुष्यंत प्रताप सिंह जी हों, या जितने भी एक्टर पीहू एंड ऑल जितने भी एक्टर्स हैं, सबने बहुत मेहनत करी है। तो प्लीज सपोर्ट कीजिएगा, अपना प्यार दीजिएगा इस बारे में। यार, शूटिंग एक्सपीरियंस बड़ा ही यूनिक और बड़ा ही डिफिकल्ट भी था, क्योंकि बेसिकली दिस बायोपिक इज अ डॉक्टर्स बायोपिक, राइट? तो फर्स्ट ऑफ ऑल, और मैं तो वकील आदमी था और ऊपर से एक एक्टर, तो इतना कुछ पता नहीं था। पर हाँ, अजय जी ने बहुत सपोर्ट किया इसके बारे में। तो वो स्टडी वाला पार्ट जो था वो काफ़ी डिफिकल्ट था इसमें, और सेकंड थिंग जो इसमें था कि इसमें काफ़ी सारी शेड दिखानी पड़ी थी, जैसे एक कॉलेज टाइम का अजय दिखाना था, फिर एक मैच्योर अजय दिखाना था, फिर एक एज्ड अजय दिखाना था, फिर एक बैचलर अजय भी दिखाना था। तो इसमें चार पाँच अजय की ऐसी स्टेजेस है जिसमें आप देखोगे कि एक बहुत सिंगल हड्डी हूँ, फिर बहुत फैला हुआ हूँ, फिर बहुत मीडियोकर, बहुत फिट हूँ। सो दीज काइंड ऑफ, जो इसमें बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन जो हुई थी वो बहुत डिफिकल्ट था करना। डॉक्टर प्रगति एंड डॉक्टर अजय एंड ऑल्सो डायरेक्टर अमित जी एंड, तो तीनों ने बहुत मेहनत करी, क्योंकि मेरे को ABC भी नहीं आती थी एक्चुअली इनकी जो स्टडी थी। तो ये बैठ बैठ के, फर्स्ट टाइम आई स्टिल रिमेंबर द सीन की ये स्कल लेके, रियल स्कल लेके मेरे सामने आ गए, यू दे वर लाइक कि दिस इज एनाटॉमी एंड दिस इज नेजल बियॉन एंड दिस इज लाइक यू नो। तो काफ़ी कुछ सिखाया भी इन्होंने, और हर वक्त बगल में खड़े रहते थे और बताते थे कि रोमिल दिस इज दिस, यहाँ पे आप गलत कर रहे हो, या कुछ गलती हमसे, क्योंकि नेचुरली हमें नहीं पता किसी के रियल लाइफ के बारे में। जो पर्सनल एक्सपीरियंस करता है वो बहुत अच्छे से एक्सप्रेस कर पाता है, एक्सप्लेन कर पाता है। तो हमेशा ही मेरे बगल में खड़े रहते थे ये बताने के लिए कि इस तरीके से करना है। तो दे वर वेरी सपोर्टिव ऑल ऑफ देम। बैनर को देख के तो ऐसा है, बैनर का क्या है कुछ नहीं पता, कौन सी मूवी कब हिट हो जाए, तो इट्स लाइक ऊपर वाले की देन है मूवी हिट करना और जनता की देन है। तो बैनर देख के कभी नहीं, हाँ स्टोरी जरूर, कोई भी एक्टर होता है तो एक स्टोरी, फॉर एग्जांपल जैसे मैं कुछ सीन देने में कंफर्टेबल नहीं होता, अगर मेरे को लगता है कि स्टोरीज में इस तरीके के सीन्स हैं या नहीं है, तो ऑब्वियसली मैं जानना चाहता हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ, कि अच्छा कर रहा हूँ या बुरा कर रहा हूँ, भला कर रहा हूँ कि गंदा कर रहा हूँ। तो आई एज एन एक्टर मेरी इमेज के लिए मेरे को जानना पड़ता है, तो ऑब्वियसली फॉर श्योर स्टोरी सुनता हूँ एंड देन आई डिसाइड कि क्या होता है। यार, बायकॉट के बारे में, मैं तो खुद बायकॉट को बायकॉट करता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि एक एक्टर बहुत मेहनत करता है, एक डायरेक्टर बहुत मेहनत करता है। हाँ, कुछ अगर कोई इंसान कुछ गलत स्टेटमेंट देता है तो अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, जिसको जो अच्छा लगता है, बट मेरे हिसाब से बहुत मेहनत लगती है किसी प्रोजेक्ट को बनाने में। बायकॉट करने के काफ़ी सारे तरीके होते हैं, बट हाँ, कोई भी इंसान मूवी निकालता है तो उम्मीद यही करता है कि हर एक जनता उसे प्यार देगी और हर एक जनता उसको देखेगी। तो मैं सिर्फ इतना ही सोचता हूँ बायकॉट के बारे में। मूवी का म्यूज़िक बहुत अच्छा है, बहुत ही खूबसूरत म्यूज़िक है, और लाइक आई लाइक मोस्ट ऑफ द सॉन्ग्स एंड एक फील आती है गानों के अंदर, अगर आप देखना चाहोगे तो। इसमें एक कल्चर को भी प्रेजेंट किया गया है, एक रोमांस को भी एक इंसान के प्रेजेंट किया गया है, एक स्ट्रगल को भी बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट किया गया है। उम्मीद करता ना, उम्मीद नहीं करता, आई एम श्योर आप लोगों को बहुत पसंद आएगा।